नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेजस्विल कंटेंट। दोस्तों, आज हम एक मुख्य बिंदु हमारा रहेगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें प्राइवेट कंपनी से काम लेना है। जैसे एक किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर मुझे गंगा एक्सप्रेस वे में काम लेना है तो मैं कैसे लूँ। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो छोटा सा बनाऊँगा, इसके लिए आप इस तरीके से करके आप बहुत सारी जगह पे काम ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको काम का नॉलेज है और अच्छा नॉलेज है तो आप बड़ी कंपनियों में काम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, अगर आप नए हैं और स्टार्टिंग ही किए हैं आपने और आपको ज़्यादा काम के बारे में नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, बड़ी कंपनियों में आप डायरेक्ट पहले दूसरे काम में ना फंसें। ये मेरा पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो नए होते हैं, वो आगे चल के बहुत बुरी तरह फंसते हैं। वो किसी के कहने से किसी की बातों में आ जाते हैं और वो सीधे कहते हैं ये काम है इतने का, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप इसको ले सकते। दोस्तों, ऐसे काम आपके लिए नहीं होते हैं, ये मैं आपको अपना खुद का वो बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये बात माने या ना माने वो आपकी मर्जी है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपकी जो मेहनत की कमाई होती है, आपके पास जो पैसे होते हैं, वो पैसे इतनी आसानी से चले जाते हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से लोगों के घर बिक जाते हैं। ऐसी कंडीशन, लोगों की ज़मीन बिक जाती है, मकान दुकान सब बिक जाते हैं, क्योंकि वो मोटे उसमें फंसने के चक्कर में रहते हैं। कमाने की सोचते हैं, ज़्यादा कमाने की सोचते हैं, और हर कोई सोचता है। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसी चीज़ों को वहाँ पे देख नहीं पाते हो जो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप स्टार्टिंग में बड़ी कंपनियों में कभी भी काम ना पकड़ें, क्योंकि कोई टाइल का काम पकड़ लेता है, कोई सेटरिंग का काम पकड़ लेता है, कोई सरिया का काम पकड़ लेता है। नए नए ठेकेदार होते हैं, उनको आइडिया होता नहीं है और वहाँ पे जाके अच्छे खासे फंस जाते हैं। बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बड़े बड़े टावर्स होते हैं उनके अंदर ऐसे काम पकड़ लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है उनके अंदर। अगर दोस्तों आपको काम ही करना है तो आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, उस रास्ते से आप जाएंगे तो आपको आसानी रहे। सर्वप्रथम आप कोई भी काम करें, पहले स्टार्टिंग छोटे से करना चाहिए आपको, जितना हो सके छोटे से छोटा काम पकड़ेंगे वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और बड़ी कंपनियों में आप ये ध्यान रखें कि किसी ठेकेदार के अंडर में काम ना करें। 99% ठेकेदारों का फंसने का कारण होता है ठेकेदार से ठेकेदार काम लेना, यानी कि पेटी में काम लेते हैं। जो आदमी पेटी में काम लेता है वो कभी भी आगे ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता और फंसता भी वही है। इसका कारण बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि दोस्तों ठेकेदार वहाँ से बड़ी कंपनियों से काम ले लेते हैं और वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर पकड़ते हैं, और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पकड़ते हैं जो नए होते हैं, क्योंकि उनको आइडिया होता है कि जो नए कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आदमी काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इन बातों का गाइडेंस नहीं होता है, और इनका गाइडेंस नहीं होता है तो आप जाके आराम से वहाँ फंस जाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की और ये फंसने का कारण भी होता है। और जैसे ही वहाँ एक बार यहाँ पहुँचेंगे, आपसे सीधा कहेंगे 10 आदमी 20 आदमी 50 100 आदमी लगा दीजिए, आपका ये वो सारा कुछ कर लेंगे। अब जैसे ही आपको किया पहली बार, तो आपको ठीक ठाक मामला हो जाता है, आगे चल के आपकी पेमेंट रुक जाती है। अब आपको आइडिया लगाना चाहिए, अगर एक बार में ही आपने 100 आदमी लगा दिए और 100 आदमियों की अगर पेमेंट आप जोड़ेंगे एक महीने की, तो आपकी हालत खस्ता हो जाएगी अगर टाइम पर नहीं मिला तो दोस्तों, मैं आपसे पॉइंट वाइज ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादातर काम जो करते हैं अगर किसी ठेकेदार से काम पकड़ते हैं तो कोशिश करें ना करें।
हाँ करना चाहिए, ठेकेदारों को भी काम करने चाहिए, लेकिन छोटे स्तर पर करने चाहिए। यानी कि 10,000, 20,000, 50,000 का काम कर दिया, 1,00,000 का कर दिया, 2,00,000 का कर दिया, इतना काम करना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर काम आपने बड़े काम पकड़े तो मैं कहता हूँ, मेरा जहाँ तक वो है, ज़्यादातर लोग फंसते हैं, क्योंकि मेरी जिन लोगों से बात होती है सब लोग ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर फंसे हुए होते हैं। दूसरी चीज, जो भी आप एग्रीमेंट करवाते हैं वो एग्रीमेंट अगर आप कंपनी से करते हैं तो पहली बात बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि कंपनी के पैसे बहुत कम मरते हैं, 99% चांस कम होते हैं कंपनी से मरने के, अगर आपने कोई गलती नहीं की तो। इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम होती है कि आप जो भी काम करते हैं, जो एग्रीमेंट करते हैं उसका, वो एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ कंपनी अपने हिसाब से बना के देती है, आपका एग्रीमेंट वहां नहीं चलता है, ये एक रीजन है। चलिए कंपनी का तो एग्रीमेंट फिर भी साइन कर लेंगे, लेकिन जो ठेकेदार लोग होते हैं वो तो एग्रीमेंट करते भी नहीं है किसी का। क्यों? क्योंकि उनको पता है आगे चल के दिक्कत आएगी, तो पहली बात तो एग्रीमेंट नहीं करेंगे, अगर कर भी दिया तो नॉर्मल काम होता है जो उस हिसाब से करके देंगे, तो वो दिक्कत आती है। इसलिए दोस्तों, आपको और जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें प्लीज, क्योंकि मैं आप कॉल उठाना मैंने बंद कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो ऐसी आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।